बिहार के भागलपुर में करोड़ों की लागत से बन रही पुल देर रात अचानक तेज आंधी की वजह से गिर गई। पुल गिरने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि लोग इस घटना को लेकर थोड़े आशंकित हैं। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल अगवानी सुल्तानगंज पुल के गिरने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी हो कि इस पुल की कुल लागत 1710 करोड़ रुपए है। पुल की कुल लंबाई 3.160 किलोमीटर बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि पुल के गिरने से करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। वही भारतीय लोगों के मुताबिक पुल के गिरने से कई लोग इसके शिकार हो सकते थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच का आदेश दिया। घटना की सूचना मिलते ही बांका सांसद गिरधारी यादव घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वही जदयू नेता ललित नारायण मंडल ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जानकारी हो कि इससे पहले भी हाल के वर्षों में बिहार में कुछ जगहों पर निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने की घटना सामने आई थी, जिसे लेकर नीतीश सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। एक बार फिर जदयू नेता ने ही इसे भ्रष्टाचार से जोड़े हैं। हालांकि घटना की पूरी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।